सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो देखिए, अभी मैं जो है अपने यहाँ पे खेत में आया हुआ हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे जो है, देखिए ये गागले का पत्ता लगा हुआ है जिसे हम पतोड़ भी बोलते हैं। तो मेरे को आज बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज यही बनाते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं इसको बनाने का तरीका, जो मेरी मम्मी बड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा। और देखिए, अभी ना जो है हमारे खेत में ना काफ़ी तरह के वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। लाइक देखिए, अभी ये भिंडी भी लगी हुई है और जो है खीरे वगैरह भी लगे हुए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, खीरे वगैरह लगे हुए हैं। और देखिए, ये करेला लगा हुआ है और भी बहुत कुछ लगे हुए हैं। बट मेन जो है आज पतोड़ बनाना सिखाऊँगा और आप लोगों को सिखाऊँगा, क्या मतलब कि आप लोगों को दिखाएँगे हम। और मेरी मम्मी अभी पत्ते तोड़ के चले गए हैं, तो अब मैं आप लोगों को अंदर जाके बताऊंगा सब कुछ। तो देखिए गाइस, मम्मी ने तो शुरू भी कर दिया है यहाँ पे काम। और गाइस देखिए, ये हमारे खेत का खीरा, देखिए कितना बड़ा है ये और मोटा भी है। ओह माय गॉड, वाओ। सो गाइस देखिए, ये है बेसन का मटेरियल। इसमें मम्मी ने मिलाया है नमक, मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और जीरा पाउडर। और देखिए, अभी इसको मिलाएंगे। देखिए, इसको खूब अच्छे से मिलाना पड़ता है, इसमें कोई भी जो है लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए कितने अच्छे से मिला रहे हैं मम्मी, देख रहे हैं, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए गाइस। देखिए अब ये जो मिक्सचर है, ये अच्छे से मिल गया है। ये देखिए, और देखिए गाइस, ये है पतोड़ का पत्ता। इसके इस पार्ट को जो अच्छे से वो बेलन से थोड़ा सा पिचका दिया था मम्मी ने। हाँ, जो भी है, मम्मी बोल रहे इसको गागले का पत्ता बोलते हैं। और देखिए, इस बेसन के मटेरियल को अब इसके ऊपर पूरे अच्छे से अप्लाई करेंगे एंड टू एंड तक। मैं सिर्फ आप लोगों को ये हमारे यहाँ पे कैसे बनाया जाता है बोल के वो सिखा रहा हूँ, बाकी मेरे को भी पता है कि मैक्सिमम लोग सब जानते हैं, बट जिसको नहीं पता उन लोगों के लिए ये बीच में हल्का बहुत ये फट भी जाए तो कोई ऐसा डरने की बात नहीं है वो, क्योंकि एक के ऊपर जब एक पत्ता रखेंगे और उसको जब रोल करेंगे तो वो अपने आप कवर हो जाता है। ये पत्ता काफ़ी बड़ा है इसलिए इसने आधा पूरा जो ये किचन का आधा पूरा जगह घेर लिया है। सो देखिए गाइस, अब इसमें अब दूसरा पत्ता रखेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पत्ता है बिल्कुल उल्टा करके रखना है। देखिए, पहले जो ये वाला एंड था वो उस साइड था, अब इसको इस साइड करके मिला दिया है और इसके ऊपर भी अब पूरा बेसन को अच्छे से अप्लाई करेंगे। और इस प्रोसेस को आपको लगभग 3-4 या 5-6 पत्ते जितने भी आपसे हो सकते उतने पत्तों तक करना है। उसके बाद फिर इसको जो है रोल करना है आपको। मम्मी तो अभी शायद एक बंडल में कम से कम भी 4-5 पत्ते लगाएंगे शायद। देखिए ये तीसरा पत्ता लग गया है, जैसा कि मैंने बोला था, फटा हुआ हो चाहे कैसा भी हो, बस आपको लगा देना है। इसका फटने से कोई वो नहीं है, फट गया तो मतलब यूज़ का नहीं होगा। और गाइस, जो ये मटेरियल है ना, इसमें सबसे मेन जो रहता है वो होता है खट्टा और हींग, उसी से जो है ये मतलब एक परफेक्ट पतोड़ बनता है। और इसमें जो है बिना खट्टा या उसकी जो है आप लोगों को हो सकता है कि गले में मतलब कुछ खराश हो जाए, उसी चीज़ को हटाने के लिए इसमें खट्टा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हींग भी। सो देखिए गाइस, ये 4 पत्तों का रोल है, इसको अब धीरे धीरे करके एक साइड से देखिए ऐसे करके रोल किया जाता है इसको, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। मतलब जब भी आप जितने बार भी फोल्ड करोगे इसको, हर बार बेसन लगाना होगा इसमें। सो गाइस देखिए, आप इसको ना
देखिए बिल्कुल टाइटली फोल्ड करेंगे इसको। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लूजली फोल्ड नहीं करना है, ढीला ना हो, इसका ध्यान रखे। इसको बिल्कुल टाइट टाइट करके फोल्ड करना है। देखिए किस तरह से मम्मी इसको फोल्ड कर रहे हैं। साइड से भी आपको मिलाना है। देखिए ये रोल हो चुका है एक रेडी। अब इसके बिल्कुल अच्छे से इसको भी कवर कर देना है बेसन से, जहाँ इसका एंड है। देखिए देखिए अब ऐसे हम एक दो रोल और बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो है स्टीम करने के लिए रख देंगे। सो गाइस देखिए अभी हम जो है राइस कुकर का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी में हम स्टीम देंगे इसको। लो तो हमने इसको जो है गर्म करने के लिए रख दिया है अभी। इसके बाद फिर जब हमारा पूरा रोल तैयार हो जाएगा तो इसको हम इसके ऊपर स्टीम करने के लिए रख देंगे। हमने अभी इसको जो है स्टीम पे रख दिया है, तीन रोल बने तो अब इसको हमने स्टीम में रख दिया और अब हम इसको कम से कम भी आधा घंटे के लिए ऐसे रहने देंगे। A few moments later. So guys, देखिए अब इसको ओपन करते हैं। देखिए आधा घंटे बाद हमने खोला है और देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल पहले कैसे था और अब देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको देखिए हम चेक करने के लिए तिल्ली से, देखिए जैसे हम केक को चेक करते हैं वैसे इसको भी चेक करना पड़ता है। सो अब हम इसको ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। तो गाइस देखिए अब इसको हम काटेंगे। देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, देख सकते हो इसमें से अभी भी भाप निकल रहा है। कर चुका है, चलिए इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। सो गाइस देखिए अभी हमने ना कढ़ाई में जो है जो तेल गरम करना था वो हो गया। अब इसमें जो है हम ये लहसुन को डालेंगे, फिर उसके बाद ये लाल मिर्च डालेंगे और ये जीरा और धनिया के बीज डालेंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग ना मतलब सरसों के तेल में बनाते हैं तो उससे जो इसका फ्लेवर है वो और भी निखर के आएगा जो पत्रोड़ है। तो देखिए अभी जब तक ये बिल्कुल थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता तब तक हमें इसको ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद फिर हमें जो है पत्रोड़ को इसमें फ्राई करना है, जिससे कि पत्रोड़ का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के और बहुत ही यम्मी आप लोगों को खा के पता चलेगा जब आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएंगे। सो गाइस देखिए अभी हमारा जो है अब बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो चलिए एक एक करके अब जो हमारा ये पीसेस है इसको डालेंगे अब हम। फिलहाल हम इतने ही डालेंगे। सो गाइस देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है ये फ्राई होके। तो चलिए जल्दी से इसको अब टेस्ट कर लेते हैं, हम में से सवर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा यम्मी है गाइस। बस मन कर रहा खाते जाओ। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये जो रेसिपी हमने बताई वो आज पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, इन्जॉय।